अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सवाना सर सैयद का बचपन। ये मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से माखूज़ है। मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है सर सैयद का बचपन। सबसे पहले मैं बताऊँगी सवाने क्या है, फिर मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी, उसके बाद सवाना सर सैयद का बचपन पढ़ाऊँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसानी हो जाए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सवाना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाना में किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान किया जाता है। जो सवाना है, हम किसी शख्स की क्या लिखते हैं, पूरी ज़िंदगी के वाक़यात लिखते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करते हैं। सवाना निगार अपने हम असरों के सवाना भी लिख सकता है। हम असर यानी उस दौर में जो लोग उनके साथ गुजरे हैं उनके भी सवाना लिख सकता है। तारीख़ी शख्सियतों के सवाने भी। इस सन्फ का मकसद किसी अहम शख्स के हालात ज़िंदगी से कारी को रोशनाश कराना होता है। सवाना जो हम लिखते हैं उससे क्या होता है कि किसी अहम शख्सियत या किसी ख़ास शख्स के बारे में इंसान को मालूम हो और उसे रोशनाश कराना हो। इस सिलसिले में वो इस शख्स के साथ साथ अपने हमअसरों का हाल भी लिख सकता है और इस ज़माने के सियासी, समाजी और माशरती पहलुओं पर भी रोशनी डाल सकता है। जब हम किसी इंसान के या किसी शख्स के सवाना पढ़ते हैं तो उस वक्त के सियासी, समाजी, माशरती पहलुओं पर भी हमें रोशनी डालते हैं और हमें पता चलता है कि उस वक्त के हालात क्या थे। हमारे यहाँ मौलाना हाली और शिबली नौमानी ने सवाना निगारी का सिलसिला शुरू किया। हाली ने मुमताज़ अदबी शख्सियतों के सवाने लिखे, मिसलन हयात सादी में शेख सादी, यादगार गालिब में गालिब और हयात जावेद में सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं। शिबली नौमानी ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन्नुमान, अलगजाली, अलमामून और अलफारूक जैसी सवाना ही किताबें लिखी हैं। शिबली ने सवाना निगारी के ज़रिए इस्लाफ़ की इल्मी, अदबी और मजहबी ज़िंदगी को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। आइए पढ़ते हैं अल्ताफ़ हुसैन की हालत ज़िंदगी। 1837 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इल्म की तलब और शेर सुखन का ज़ौक इन्हें दिल्ली लाया। इल्म की तलब यानी इल्म की चाहत ने और शेर कहने का जो शौक़ था उन्हें दिल्ली लाया। यहाँ उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियतों से फैज़ हासिल किया, यानी फ़ायदा हासिल किया। गालिब और शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए। लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर डॉक्टर WG लाइटनर और दूसरे अंग्रेज अफसरों के ताउन से उन्होंने उर्दू में जदीद नज़म की बुनियाद डाली। उर्दू के सवाना ही अदब में हाली की हयात सादी 1886 ईस्वी में, यादगार गालिब 1897 ईस्वी में और हयात जावेद 1901 ईस्वी में शाया हुई। इनकी शायरी में इस्लाह का पहलू नुमाया है। इनकी तवील नज़मों में मधु जज़र इस्लाम जो आम तौर पर सदस्य हाली के नाम से मशहूर है और मुनजात बेबा अहम है। हाली का मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद में एक तारीख़ी अहमियत रखता है। हाली का जो मुकदमा है शेर व शायरी, ये बहुत ही अहम किताब है और तारीख़ी अहमियत रखता है, उर्दू तनकीद में एक तारीख़ी अहमियत रखता है। उन्होंने शायरी के अखलाकी और इस्लाही पहलुओं पर जोर दिया है और इसी नुक्ता नज़र से उर्दू शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया है। हाली का शुमार सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में होता है। हाली जो थे सर सैयद के बहुत ख़ास रफ़ीक थे, दोस्तों में से थे। सर सैयद का बचपन मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से माखूज़ है। अभी जो हम पढ़ेंगे सर सैयद का बचपन, वो मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से लिया गया है, उसका कुछ हिस्सा है। आइए पढ़ते हैं
सर सैयद का बचपन। सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाज़रीन किताब इसको कदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें, लेकिन बायोग्राफी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदात व ख्यालात का दुनिया पर रोशन करना है। अब हम जिसके बारे में सवाना लिखते हैं तो उनके हालात जो लिखते हैं और उनके जो आदात हैं सब क्या है, उनके जो लोग हैं उनके जानने वाले उससे भी पता चलता है। वो इस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक व आदात और ख्यालात कहाँ से आए और इनकी बुनियाद उसमें क्यों कर पड़ी। इंसान में जो कुछ खसलतें जबली होती हैं, जबली माने होता है फितरती पैदाशी, जो पैदाशी होती है, जो ख़ानदानी होती है, फितरती होती है, उसे जबली कहते हैं, जो आबा व अजदाद से बतौर मीरास के उसको पहुंचती है, यानी उसके बाप दादा से, उसके ख़ानदान से उसे विरासत में मिलती है। और ज़्यादातर वो अखलाक व आदात होते हैं जो बचपन में नामालूम तौर पर वो अपने ख़ानदान की सोसाइटी से इकतसबात करता है, यानी जमा करता है अपने ख़ानदान से और अपनी सोसाइटी से। और जो रफ्ता रफ्ता इस दर्जा तक पहुंच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबलत से नहीं टल सकता। ख़ानदानी जो आदात व इतवार होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हदीस में आया कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए लेकिन आदमी अपनी जबलत, यानी जो इंसान की फितरत होती है, जिसके आदत होते हैं, उससे वो नहीं टल सकता। बस हीरो के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नशोनुमा पाई, दर हकीकत हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है जिसके बाद किसी और सबूत के पेश करने की चंदाने ज़रूरत बाकी नहीं रहती। सर सैयद के पैदा होने से पहले इनकी बहन सफीतुन्निसा और इनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान के पैदा होने की उनको नहायत खुशी थी। जो बड़े भाई बहन थे उनको सैयद मोहम्मद ख़ान के पैदा होने से उन दोनों भाई बहन को बहुत खुशी थी। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन ख़ान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम हातिम अली ख़ान था। सर सैयद को अव्वल हातिम अली ख़ान की वालदा ने दूध पिलाया और फिर खुद सर सैयद की वालदा ने। वो अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की नस्बत ज़्यादा कवी और तवाना और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। उनके ख़ानदान में जितने बच्चे थे उस वक्त वो ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर और पैदा हुए थे। सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि इनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई और खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ वाक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। सर सैयद का जो बचपन था सिर्फ वो जिस्मानी ताकत रखते थे और उनके अंदर कोई ख़ास ऐसी काबिलियत नहीं थी जो दूसरे बच्चों से ज़्यादा हो। यानी जैसे कि बाज़े बच्चे इब्तिदा में नहायत ज़की और तब्बा और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत और तेज़ दिमाग वाला होता है, वो ऐसे नहीं थे। मालूम होता है कि तब्बा अपने हमजोली में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरी इम्तियाज़ ना था, यानी कोई फ़र्क ना था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने कवाए जहनिया को महज दिमागी रियाजत और लगातार गौर फिक्र से बदतरीन तरक्की दी है, यानी ऐसा होता है कि उन्होंने अपने दिमागी गौर फिक्र से अपने आप को बढ़ाया है, तरक्की दी है, और इसीलिए इनकी लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता है। इनकी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, लाइफ का आगाज़ यानी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, मामूली आदमी की तरह होती है, कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होती है, लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाइए उस कदर इसमें ज़्यादा अजमत पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बालातर कर देती है। इसीलिए बाज़ हुक्मा की ये राय है कि मेहनत से आदमी जो चाहे सो हो सकता है। सर सैयद को मुस्मात माँ बीबी ने जो एक कदीम खैरखा खादमा उनके घराने की थी पाला था, इसलिए उनकी माँ को माँ बीबी से नहायत मोहब्बत थी। वो 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है माँ बीबी मरने से चंद घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ उससे थोड़ा देर पहले उन्होंने सर सैयद को
शरबत पिलाई थी, फालसे की शरबत। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई हैं, बहुत अच्छे मकान में रहती हैं, बहुत से नौकर चौकर इसकी खिदमत करते हैं और इसकी बहुत आराम से गुजरती है, तुम कुछ रंज मत करो। मुझको इनके कहने से पूरा यकीन था कि फिल वाक़ ऐसा ही है। मुद्दत तक हर जुमरात को इसकी पातियाँ हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये सब खाना माँ बीबी के पास पहुँच जाता है। ये सर सैयद के बचपन की कहानी है और जो माँ बीबी ने उनको पाला था वो उनके बारे में बता रहे हैं। इसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम जेवर सैयद का है। माँ बीबी का जो जेवर था वो किसका था? सैयद का है, मगर मेरी वालदा इसको खैरात में देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना माँ बीबी के पास भेज दूँ। मैंने कहा हाँ भेज दो। वालदा ने वो सब गहना मुख्तलिफ तरह से खैरात में दे दिया। माँ बीबी के पास क्या हुआ? जेवर जो था वो सबको उनकी माँ ने खैरात में दे दिया। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल बंदी हो और ना ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। इनकी बड़ी खुशनसीबी ये थी कि खुद इनके मामू और इनकी खाला और दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनकी हम उम्र थे। उनके ख़ानदान में जितने बच्चे थे मामू के और खाला के और दीगर रिश्तेदार के, वो सब कितने 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। इसलिए इनको नौकरों और इजलाफों के बच्चों और अशराफों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला और जो उनके पड़ोसियों के साथ उनको कभी खेलने का मौका नहीं मिला। उनके बुजुर्गों ने यह इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक से खेलो, मगर किसी खेल को छुपाकर मत खेलो। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। इनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो अपने बुजुर्गों के सामने ना कर सके। ख्वाजा फरीद की हवेली जिसमें वो और इनके हमउम्र लड़के रहते थे, इसका चौक और इसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ों के लिए खेलों के लिए काफ़ी था। ख्वाजा फरीद की हवेली थी, उसी में वो लोग खेलते थे और उसी में दौड़ते थे। इब्तिदा में वो अक्सर गेंद, बल्ला, कबड्डी, गेड़ियाँ, आँख मचोली, चील छिलो वगैरह खेलते थे। अगरचे गुड़िया खेलने को अशराफ मायूब जानते थे, मायूब यानी ख़राब जानते थे, मगर इनके बुज़ुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब भाई मिलकर गेड़ियाँ भी खेलो तो कोई मजाक़ा नहीं। गेड़ियाँ खेलने को मायूब समझा जाता था यानी ख़राब समझा जाता था, लेकिन उनके बड़ों ने उनको इजाज़त दे रखी थी कि सब भाई मिलकर गेड़ियाँ भी खेल सकते हैं। इनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के, बचपन में मुझे तनहा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। जब मेरी वालदा ने अपने रहने की जुदा हवेली बनाई और वहाँ आ रही, तो बावजूद ये कि इस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ एक सड़क दरमियान थी, जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता। इसीलिए बचपन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोहबतों में बैठने या आवारा फिरने का बिल्कुल इत्तफाक नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं सर सैयद? कि मुझे बचपन में जो नाना के घर जाना होता था, जबकि बीच में एक सड़क था, फिर भी उनके साथ एक आदमी उनको लेकर जाता था। इसलिए बचपन में क्या हुआ? आम सोहबतों और आवारा फिरने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। सर सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब इनके साथ खाना खाते थे। घर के जितने लोग भी थे सब एक साथ खाना खाते थे, बच्चे बड़े और बहू भी। बच्चों के आगे खाली रिकाबियां होती थीं। नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे। जो कुछ वो बताता वही चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से उसकी रिकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ज़्यादा ना भरे और नवाला चबाने की आवाज़ मुँह से ना निकले। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। जब नाना अंदर जनान खाने में खाना खाते थे बच्चों के साथ, तो बच्चों को हर बात की तरबियत दी जाती थी कि खाना कैसे खाना, बिल्कुल अदब के साथ खाना, सफाई से खाना है और हाथ ज़्यादा खाने में गंदा नहीं करना है।
और नवाला चबा के खाना और खाने की आवाज़ मुँह से बाहर नहीं निकले, और रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। जनाना हो जाता था, मेरी वालदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती थी, हम सब लड़के इनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी, किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता तो नहायत नाराज़ होते थे। बच्चों को बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि सफ़ेद चांदनी बिछता था चादर, और उस पर अगर किसी के पाँव का भी धब्बा लग गया तो वो नहायत नाराज़ होते थे। रोशनाई वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता तो इससे भी नाखुश होते थे। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था उनको सबक सुनाने जाते थे। अब शाम में क्या होता था, जितने बच्चे थे जो मकतब में पढ़ते थे नाना जान को सबक सुनाने जाते थे। जिसका सबक अच्छा याद होता इसको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती, और जिसको याद ना होता इसको कुछ ना देते और घुड़क देते, यानी वहाँ से भगा देते। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे सपहर को जमुना पर जाकर पानी की सैर देखते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में क्या होता है, दिल्ली के बाशिंदे सपहर यानी दोपहर के बाद जमुना पार्क जाकर पानी की सैर को देखते हैं, और तैरने वाले तैरते हैं। मगर 50 बरस पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। अशराफ यानी शरीफ लोग, वो क्या होते थे, शरीफ की जमा हुआ। अशराफ क्या हुआ, शरीफ की जमा यानी आला ख़ानदान वाले लोग। आला ख़ानदान वाले लोग क्या करते थे, वहाँ तैरने के लिए जाते थे और दिलचस्प जलसे होते थे। सर सैयद कहते थे कि मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था। एक ज़माना तो वो था एक तरफ दिल्ली के मशहूर तैराक मौलवी अली मुल्लाह का गोल होता था, जिसमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा तुफल बहुत सर बर आवारा आवरदह नामी थे, और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100-125 शागिर्दों का गिरोह होता था। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे, और मजनू के टीले से शेख मोहम्मद की बाई तक ये सारा गिरोह तैरता जाता था। फिर जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे तो इस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। उन्हीं दिनों में नवाब अकबर खां और चंद और रईस ज़ादे भी तैरना सीखते थे। जिनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श खां के बाग के नीचे जमुना बहती थी, वहां से तैरना शुरू होता था। मगरिब के वक्त सब तैराक जिनतुल मसाजिद में जमा हो जाते थे, और मगरिब की नमाज जमात से पढ़कर अपने अपने घर चले आते थे। मैं इन जलसों में अक्सर शरीक होता था। कौन शरीक होते थे, सर सैयद क्या होते थे, इन जलसों में हमेशा शरीक होते थे। तीर अंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू जैनुल आबदीन खां के मकान पर होती थी। वो कहते थे कि मुझे अपने मामू और वालिद के शौक का वो ज़माना जबकि नहायत धूमधाम से तीरंदाजी होती थी याद नहीं है। सर सैयद को ये बात याद नहीं है कि उनके मामू के ज़माने में बहुत धूमधाम से तीरंदाजी होती थी, मगर जब दोबारा तीरंदाजी का चर्चा हुआ वो बखूबी याद है। इस ज़माने में दरिया का जाना मखूफ हो गया, यानी दरिया को नहीं जाते थे, और जहर की नमाज के बाद तीरंदाजी शुरू होती थी। नवाब फतहुल्लाह बे खां, नवाब सैयद अजमतुल्लाह खां, नवाब इब्राहिम अली खां और चंद शहजादे और रईस और शौकीन इस जलसा में शरीक होते थे। नवाब शमशुद्दीन खां रईस फिरोजपुर झरका जब दिल्ली में होते थे तो वह भी आते थे। मैंने भी इसी ज़माने में तीरंदाजी सीखी और मुझको खासी मशक हो गई थी। मुझे खूब याद है कि एक दफ़ा मेरा निशाना जो तोदे में नेहात सफाई और खूबी से जाकर बैठा तो वालिद बहुत खुश हुए और कहा, मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए। ये जलसा बरसों तक रहा, फिर मौकूफ हो गया। दिल्ली से 7 कोस मुगलपुर एक जाटों का गांव है। दिल्ली से 7 कोस दूर क्या है, मुगलपुर एक जाटों का गांव है। वहाँ सर सैयद के वालिद की कुछ मलिक बतौर माफी के थी। अगर कभी फसल के मौके पर इनके वालिद मुगलपुर जाते तो इनको भी अक्सर अपने साथ ले जाते और एक हफ्ता गांव में रहते। सर सैयद कहते थे कि इस उम्र में गांव में जाकर रहना, जंगल में फिरना, उमदा दूध और दही और ताज़ा ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरे या मैके की रोटियां खाना नहायत ही मज़ा देता था। सर सैयद के वालिद को अकबर शाह के ज़माने में हर साल तारीख़ जुलूस के जश्न पर 5 पारचा और 3 रकम जवाहर का खिलात अता होता था। खिलात उसे कहते हैं
वो पोशाक जो बादशाह या उम्रा की तरफ से बतौर इज्जत अफजाई मिले उसे खिलअत कहा जाता है। मगर आखिर में जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, उन्होंने दरबार का जाना कम कर दिया था और अपना खिलअत सर सैयद को बावजूद ये कि उनकी उम्र कम थी दिलवाना शुरू कर दिया था। सर सैयद कहते थे कि एक बार खिलअत मिलने के की तारीख पर ऐसा इत्तफाक हुआ कि वालिद बहुत सुबह सवेरे उठकर किले चले गए और मैं बहुत दिन चढ़े उठा। हर चंद बहुत जल्द घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा, मगर फिर भी देर हो गई। जब लाल पर्दे के करीब पहुँचा तो कायदे के मुवाफिक अव्वल दरबार में जाकर आदाब बजा लाने का वक्त नहीं रहा था। दारोगा ने कहा कि बस अब खिलअत पहनकर एक ही दफ़ा दरबार में जाना। जब खिलअत पहनकर मैंने दरबार में जाना चाहा तो दरबार बर्खास्त हो चुका था और बादशाह तख्त पर से उठकर हवादार पर सवार हो चुके थे। बादशाह ने मुझे देख वालिद से, जो इस वक्त हवादार के पास ही थे, कहा कि तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा, हुजूर का खानाजाद। बादशाह चुपके हो रहे। लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे, मगर तस्बीह खाने में पहुंचे तो वहां ठहर गए। तस्बीह खाने में भी एक चबूतरा बना हुआ था जहां कभी कभी दरबार किया करते थे। इस चबूतरे पर बैठ गए। जवाहर खाने के दारोगा को कश्ती जवाहर हाजिर करने का हुक्म हुआ। मैं भी वहां पहुंच गया था। बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल इनायत से मेरे दोनों हाथ पकड़कर फरमाया कि देर क्यों की? हाजरीन ने कहा, अर्ज करो कि तकसीर हुई, यानी जिस बात के लिए देर हुई उसे बताओ। मगर मैं चुपका खड़ा रहा। जब हुजूर ने दोबारा पूछा, मैंने अर्ज किया कि सो गया था। बादशाह मुस्कुराए और फरमाया, बहुत सवेरे उठा करो, और हाथ छोड़ दिए। लोगों ने कहा, आदाब बजा लाओ। मैं आदाब बजा लाया। बादशाह ने जवाहरात की मामूली रकमें अपने हाथ से पहनाई। मैंने नज़र दी और बादशाह उठकर खासी देहुड़ी से महल में चले गए। तमाम दरबारी मेरे वालिद को बादशाह की इस अनायत पर मुबारक सलामत कहने लगे। सर सैयद कहते थे कि इस ज़माने में मेरी उम्र 8-9 बरस की होगी। तकरीबन उन्हीं दिनों में राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्मो समाज के बानी थे, इनको अकबर शाह ने कलकत्ता बुलाया था ताकि इजाफा पेंशन बादशाही के लिए उनको लंदन भेजा जाए। चुनांचा वह बादशाह की तरफ से लंदन भेजे गए और 1831 ईस्वी में मैं वहां पहुंचे। सर सैयद ने लंदन जाने से पहले इनको मुतअद्दिद दफ़ा दरबार शाही में देखा था। सर सैयद कहते थे कि मुझको अपनी बिस्मिल्लाह की तकरीब बखूबी याद है। सपहर का वक्त था और आदमी कसरत से जमा थे, खुसूसन हजरत शाह गुलाम अली साहब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझको लाकर हजरत के सामने बैठा दिया था। मैं इस मजमा को देखकर हक्का बक्का सा हो गया। मेरे सामने तख्ती रखी गई और गालवन शाह साहब ही ने फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ ना बोला और हजरत साहब की तरफ देखता रहा। उन्होंने उठाकर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और फरमाया कि हमारे पास बैठकर पढ़ेंगे और अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़कर इकरा की अव्वल आयतें मालम यालम तक पढ़ी। मैं भी इनके साथ साथ पढ़ता गया। सर सैयद ने जब यह जिक्र किया तो बतौर फख्र के अपना ये फारसी शेर, जो खास इसी मौका के लिए उन्होंने भी कहा था, पढ़ा। सर सैयद ने अपने लिए खास ये शेर लिखा था जो खास इस मौके के लिए था। बमकतब रफ्तम व अमू ख़तम इसरार यजदानी जफीज़ नक्शबंद वक्त जाने जाने जानानी। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब अपनी खानका से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ नहीं जाते थे, इल्ला माशा अल्लाह। सिर्फ मेरे वालिद जो गायत दर्जा की शफकत थे, इसलिए कभी कभार हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह होने के बाद, बिस्मिल्लाह उस तकरीब को कहते हैं जिसमें बच्चे की पढ़ाई शुरू करवाई जाती है। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उनके ननिहाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकरी रहती थी। सर सैयद ने उस्तानी ही से, जो एक शराफ घर की पर्दा नशीन बीवी थी, सारा कुरान नाजरा पढ़ा था। वो कहते थे, मेरा कुरान ख़त्म होने पर हदिये की मजलिस जो जनाना में हुई थी वो
इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कैफियत मैंने नहीं देखी। जब कुरान ख़त्म हुई तो उसके हदिये के लिए एक जनाना में मजलिस हुई, यानी औरतों के में एक मजलिस हुई जो बहुत ही अच्छी मजलिस थी। कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने मौलवी साहब हमीदुद्दीन, एक जी इल्म और बुज़ुर्ग आदमी, इनके नाना के यहाँ नौकर थे जिन्होंने इनके मामू को पढ़ाया था, उनसे मामूली किताबें करीमा, खालिक बारी, आमदनामा वगैरह पढ़ी। जब मौलवी हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया तो और लोग पढ़ाने पर नौकर होते रहे। उन्होंने फ़ारसी में गुलिस्तां, बूस्तां और ऐसी ही एक आध और किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर अरबी पढ़नी शुरू की, मगर तालिब इल्मों की तरह नहीं बल्कि नहायत बेपरवाही और कम तवज्जही के साथ। इसके बाद उनको अपने ख़ानदानी इल्म यानी रियाजी पढ़ने का शौक़ हुआ। जो उनका इल्म था ख़ानदानी इल्म वो गया था रियाजी यानी हिसाब मैथ, वो पढ़ने का शौक़ हुआ, जिसमें उनके ननिहाल के लोग दिल्ली में अपना मिस ना रखते थे, यानी अपने मिसाल दिल्ली में नहीं रखते थे। उन्होंने अपने मामू नवाब सैनुल आबदीन खां साहब से हिसाब की मामूली दरसी किताबें तहरीर अकलीदस के चंद मकाले पढ़े। उसी ज़माने में तिब पढ़ने का शौक़ हो गया। जब उन्होंने पढ़ना छोड़ा है, इस वक्त इनकी उम्र 18-19 बरस की थी। इसके बाद बतौर खुद किताबों के मुताले का बराबर शौक़ रहा, और दिल्ली में जो अहले इल्म और फारसी दानी में नामावर थे जैसे सहबानी, गालिब और आज़रदह वगैरह, इनसे मिलने का और इल्मी मजलिसों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और ये जो लिया गया है ये अल्ताफ़ हुसैन की हाल ही की किताब हयात जावेद का कुछ हिस्सा है, सर सैयद का बचपन। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायने। नाज़रीन, नाज़िर की जमा यानी देखने वाले। इक्तसाब यानी कसब करना, मेहनत करके हासिल करना। नशोनुमा होता तरक्की, बढ़ोतरी। ज़की यानी ज़हीन, तेज़ दिमाग वाला। तब्बा जिसकी तबीयत में उपज हो। सरी इम्तियाज यानी फ़र्क, जो ज़ाहिर हो, खुला हुआ फ़र्क। हवा यानी कुव्वतें। फिलवाक़ यानी दरअसल। इजलाफ़ यानी इजलाफ, जलफ की जमा निचले तबके के लोग। इजलाफ किसे कहते हैं? जलफ की जमा है जो निचले तबके के लोग। और इशराफ़ों कहते हैं इशराफ यानी शरीफ की जमा आला ख़ानदान वाले। इशराफ हो गया शरीफ की जमा आला ख़ानदान वाले। सरबर आवरदा यानी मुअज़्ज़ज़ या ज़िम्मेदार। गोल कहते हैं भीड़ को या हुजूम, बहुत से लोग। मुल्क बतौर माफी यानी अता की हुई ज़मीन की मलकियत। मछली के जाए को तैरना कौन सिखा, ये मशहूर कहावत है। अपने आबाई काम से हर कोई वाकिफ होता है। तकसीर यानी कोताही, कसूर, गलती। हक्का बक्का होने यानी हैरान रह जाना, हैरत ज़दा। बिस्मिल्लाह इस तकरीब का नाम जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाने की इब्तिदा की जाती है। अल्लाह के नाम से शुरू कुरान मजीद की। सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयतें कुरान मजीद की, ये आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। ये आयतें हैं जो सूरह अलक है और इक़रा बिस्मे रब्बिका शुरू है, इसकी सबसे पहले यह कुरान मजीद में ये आयतें नाजिल हुई हैं। इल्ला माशाअल्लाह कहते हैं मगर जो चाहा अल्लाह ने, मुराद कभी कभी। और गायत यानी गर्ज, मतलब। कुरान नाजरा पढ़ना यानी नाजरा, कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। साले जुलूस यानी किसी बादशाह की तख्त नशीनी का साल, जिस साल बादशाह तख्त नशी होते उसे साले जुलूस कहते हैं। गौर करने के बाद पढ़ते हैं। हाल ही ने बायोग्राफी के ताल्लुक से लिखा है कि इसका असल मकसद उस शख्स के अखलाकों, आदात और ख्यालात को पेश करना है जिसकी सवाने लिखी जा रही है। हम जिसका भी सवाने लिखेंगे उसके अखलाक, उसके आदात, उसके ख्यालात, उसके फ़िक्र, ये सब हम उसमें पेश करते हैं। तो उसको पेश करने के लिए हम उसके आस पास के ख़ानदान, माशरे का हाल भी लिखते हैं, तभी पता चलता है कि उस शख्स के आदात एतवार कहाँ से आए हैं। इसके अलावा उस शख्स के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ है, और इस माशरे का हाल भी जिसमें इसने नशोनुमा पाई है यानी बढ़ा पला है। दर हकीकत ये सब मिलकर किसी भी शख्स के अखलाको आदात पर ऐसी रोशनी डालते हैं जिसके बाद किसी और सबूत की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसलिए हाल ही ने सर सैयद की सवाने हयात जावेद में इनके ख़ानदान का हाल तफसील से बयान किया है। ये जो हमने कहानी पढ़ा है ये हयात जावेद सर सैयद की जो बचपन पढ़ा है हयात जावेद से ली गई है, जिसने जिसको किसने लिखा है
हाल ही ने लिखा है और हयात जावेद में इनके ख़ानदान का तफसील भी है। इस सबक के मुताले से हम सर सैद के बचपन, उनके अहबाब और रिश्तेदारों से मुतारिफ होने के अलावा इस बात से भी वाकिफ हो जाते हैं कि उन्हें हुसूल इल्म का शौक किस तरह दिल्ली के अहले इल्म की मजलूसों में ले जाया करता था। सबक में लफ्ज साले जुलूस आया है। कोई बादशाह जिस साल तख्तनशी हुआ करता था उस साल को उसका साले जुलूस कहते थे। इसके अलावा इसके दौरान बादशाहत जब कोई बादशाह किसी वक्त रुनुमा होता था तो इस वाकया का हवाला इसके बादशाहत के इस साल दिया जाता था। अब आइए आगे देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। यानी अगर किसी बादशाह के तख्तनशी होने के 12 साल के बाद कोई वाकया रुनुमा हुआ है तो यही कहा जाता था कि ये वाकया इसके 12वीं साले जुलूस में रुनुमा हुआ था। क्या बोलेंगे? अगर किसी बादशाह की तख्त नशीनी होने का 12 साल के बाद कोई वाकया रुनुमा हुआ है तो यही कहा जाता था कि ये वाकया उसके 12वीं साले जुलूस में रुनुमा हुआ था। अब आइए खुलासा पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं सर सैद का बचपन का खुलासा। अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर एक किताब हयात जावेद लिखी है। ये मजमून उसी से लिया गया है। इस मजमून में हाली ने सर सैद के बचपन के हालात लिखे हैं। सर सैद ने जिस ख़ानदान में आँख खोली अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों को अच्छी आदतें खसलतें इन्हीं वर्से में मिली। सर सैद के पैदा होने से पहले इनकी बहन सफियतुन्निसा और इनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान के पैदा होने पर इनके घर में बहुत खुशी हुई क्योंकि सर सैयद जिस्मानी सेहत के एतबार से बहुत तंदुरुस्त हैं। सर सैयद को इनके घर की कदीम खादमा मुस्मात बीबी फातिमा ने पाला था। सर सैयद की इब्तदाई उम्र ही थी जब माँ बीबी का इंतकाल हो गया। सर सैयद के करीबी रिश्तेदार मामू और खाला वगैरह के बच्चे छोटे थे, इन्हीं के साथ वो भी पढ़े, इसलिए दूसरे बच्चों की तरह इनमें गलत आदतें नहीं आईं। उनकी वालदा ने उनसे कहा था कि तुम्हारा जी चाहे शौक से खेलो मगर किसी खेल को छुपाकर मत खेलो। सर सैद को तनहा बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सर सैद के नाना करीब ही घर में रहते थे और वो सुबह का खाना अंदर जनान खाने में खाते थे और बच्चों की तरबियत करते थे कि किस तरह खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। उन्हें नाना के पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे वो इन्हें सबक सुनाते और जिसका सबक अच्छी तरह याद होता उसे मिठाई मिलती और जिसे भी सबक याद ना होता वो उसे खड़क देते। सर सैद उनके बड़े भाई ने वालिद से तैरना सीखा और अपने मामू से तीर अंदाजी सीखी। मुग़ल बादशाह अकबर शाह हर साल तारीख जुलूस के जश्न पर दरबारियों और दूसरे लोगों को खलत वगैरह से नवाजते थे। सर सैद का कहना है कि ऐसे ही एक मौके पर मेरे वालिद चले गए और मैं ताखिर से दरबार पहुंचा। बादशाह ने बाद में ताखिर से आने की वजह पूछी तो सर सैद ने बताया कि सो गया था। बादशाह इस जवाब पर मुस्कुराए और फरमाए कि बहुत सवेरे उठा करो और जवाहरात के मामूली रकमें अपने हाथ से पहनाई। दिल्ली में हज़रत शाह गुलाम मशहूर सूफी बुज़ुर्ग ने सर सैद की बिस्मिल्लाह पढ़ाई। घर पर कुरान पाक मुकम्मल करके वह मकतब में पढ़े और उन्होंने मौलवी हमीदुद्दीन से फ़ारसी और अरबी की किताबें पढ़ीं। अपने मामू से रियाजी का इल्म हासिल किया। बाद में उन्हें मुताले का शौक़ हुआ और दिल्ली में जो अहल इल्म और फ़ारसी दानी में नामावर थे जैसे सहबानी, गालिब और आज़रदा वगैरह, इनसे मिलने का और इल्मी मजलिसों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा। आइए अब देखते हैं मशक़ी सवाल जवाब। सवाल नंबर एक है, सर सैद ने अपना बचपन कैसे गुजारा? जवाब लिखेंगे, सर सैद ने बचपन में घर पर पढ़ा, मकतब गए और खेल कूद में भी खूब हिस्सा लिया। वो अपने हम असर मामू और खालाजाद भाइयों और दिगर करीबी रिश्तेदारों के लड़कों के साथ ऐसे खेल खेलते थे जिन्हें बुज़ुर्ग देखते रहते थे। सवाल दो है, सर सैद के नाना के यहाँ दस्तरखान के क्या आदाब थे? जवाब लिखेंगे, सर सैद के नाना के यहाँ सुबह के वक्त एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ सभी इस दस्तरखान पर खाना खाते। नाना साहब हर एक की पसंद की चीज़
चमचे में लेकर अपने हाथ से रिकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई के साथ खाना खाते। सबको ख्याल रहता कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ज़्यादा ना भरे और नवाला चबाने की आवाज़ मुँह से ना निकले। सवाल तीन है, सर सैयद ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले? जवाब लिखेंगे, बचपन में सर सैयद अक्सर गेंद बल्ला, कबड्डी, गलियां, आँख मचोली, चील छिलो वगैरह खेल खेलते थे। अगरचे गलियां खेलने को अशराफ मायूब जानते थे, मगर सर सैयद के बुज़ुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब भाई मिलकर गलियां खेल सकते हैं। सवाल चार है, सर सैयद को गांव में जाकर रहना क्यों पसंद था? जवाब लिखेंगे, छोटी उम्र में सर सैयद को गांव में जाकर रहना, जंगल में घूमना, उम्दा दूध दही और ताज़ा ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरा या मकई की रोटी खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो गांव में जाकर रहना पसंद करते थे। आइए अब अमली काम देखते हैं। माँ बीबी और सर सैयद के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। माँ बीबी सर सैयद के घर में जो कदीम खैरखा खादमा थी, उन्होंने सर सैयद को पाला था। वो 5 बरस के थे कि माँ बीबी का इंतकाल हो गया। इंतकाल से चंद घंटे पहले माँ बीबी ने सर सैयद को फारसे का शरबत पिलाया था। सर सैयद को उनके मरने का बहुत अफसोस हुआ। उनकी वालदा ने समझाया कि वो आराम से रहती हैं, बहुत से नौकर चौकर इसकी खिदमत करते हैं। हर जुमरात को माँ बीबी की फातिया होती थी और खाना किसी मोहताज को दिया जाता था। सर सैयद को यकीन था कि यह सब खाना माँ बीबी के पास पहुँच जाता है। माँ बीबी ने बढ़ते वक्त कहा था कि तमाम जेवर सर सैयद का है, मगर सर सैयद की वालदा इसको खैरात में देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने सर सैयद से पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना माँ बीबी के पास भेज दूँ। सर सैयद ने कहा हाँ, वालदा ने वो खैरात कर दिया। इन बातों से मालूम होता है कि सर सैयद को माँ बीबी से कितनी मोहब्बत थी। मजमून में जिन किताबों के नाम आए हैं उन्हें अपनी कापी में लिखिए। करीमन, खाली के बारी, आमदनामा, गुलिस्ता, भूस्ता, तहरीर अकलीदस किताबों के नाम हैं जिनका जिक्र इस मजमून में हुआ है। ये सब किताब सर सैयद ने पढ़ी थी और ये सब किताब के नाम इस मजमून में आया है, तो ये सब नाम है। ठीक है बच्चों, आपको ये सबक ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।